तो दोस्तों, हमें से बहुतों को जंगल और वहाँ रहने वाले जानवरों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे में हम कभी ना कभी ये तो जरूर सोचते हैं कि आखिर जंगल में जीवन होगा कैसा, और जानवरों के लिए जंगल में रहना कितना ज्यादा मुश्किल या आसान रहता होगा। तो बस इसीलिए आज मैं आप सबको लेकर चलने वाला हूँ जाम्बिया में मौजूद लुएंगा नेशनल पार्क में, जहाँ हम 2 दिन रहकर यहाँ के जानवरों के जीवन को बहुत करीब से देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे शेरों के एक कमाल के परिवार को। ये इस नेशनल पार्क में राज करते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से इन्होंने कोई भी शिकार नहीं किया है, तो ऐसे में इनके साथ क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। इनके साथ ही लुएंगा नेशनल पार्क में बहुत से और जानवर भी रहते हैं। इनमें से कोई इन शेरों के दुश्मन है, कोई दोस्त तो कोई शिकार, और आज हम सब इन सब जानवरों के रोजमर्रा के जीवन को बहुत ही करीब से देखने वाले हैं। हेलो, मेरा नाम है ऋतिक सिंह और स्वागत है आपका वाना टेल्स में। अभी दोपहर का समय चल रहा है और ये शेर परिवार पेड़ के छांव में आराम कर रहा है। इस प्राइड में कुल 9 शेर हैं, जिसे 3 एडल्ट शेरनियां लीड करती हैं। ये इस घाटी के सबसे माहिर शिकारी हैं, और इस घाटी में इनके लिए शिकार की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से किस्मत इनका साथ नहीं दे रहा है। दरअसल इस परिवार के बड़े शेर अपने राज्य की पेट्रोलिंग के लिए दूर दराज के इलाके में गए हुए हैं, और उनके जाने के बाद से ही परिवार ने कोई भी बड़ा शिकार नहीं किया है। कई दिनों से भूखा ये परिवार किसी तरह से छोटे मोटे शिकार पर ही जिंदा है, लेकिन इससे ये बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। 20 स्क्वायर माइल्स में फैले इस विल्डरनेस में इन्हीं का राज है, लेकिन इस जगह पर ये शेर अकेले नहीं रहते हैं। दोपहर में गर्मी अपने चरम पे होता है, और ऐसे में सभी जानवर पेड़ों की छांव में आराम करते हैं। वैसे कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिन्हें पेड़ों के नीचे की शीतलता से कुछ अधिक चाहिए होता है, जैसे कि वार्थोग, जो कि इस वक्त अपने घर से निकलकर कीचड़ के पास आया है। ये कीचड़ इसे इतनी गर्मी में भी ठंडे का एहसास दिलाता है। वैसे वार्थोग जानवरों की उसी फैमिली से आते हैं जिसमें पिग और हिपोज जैसे जानवर भी मौजूद हैं। अब जैसे जैसे दोपहर आगे बढ़ रहा है, और जानवर भी तालाब के पास आते जा रहे हैं, जिन पर यह शेर परिवार पैनी नजर गड़ाए हुए है। तो वहीं दूर आसमान से ग्रेट व्हाइट पेलिकन्स का एक झुंड भी हवा में गोते लगाते हुए तालाब की तरफ ही आ रहा है। इस मौसम में ये भी खुद को ठंडा रखने के लिए तमाम चीजें करते हैं। घाटी के दूसरे तरफ शेरों से छुपकर रहने वाले कुडू अब अपना पेट भर चुके हैं, इसीलिए अब ये भी अपने सीक्रेट जगह से निकलकर तालाब के पास आ जाते हैं। लेकिन यहाँ आने में एक अलग रिस्क है, और वो रिस्क और कोई नहीं बल्कि शेर खुद हैं। शेरों के लिए कुडू एक बढ़िया शिकार होता है, और इसके शिकार में ज्यादा खतरा भी नहीं होता है। और कुछ ही देर में परिवार की एक शेरनी की नज़र इस कुडू के झुंड पर पड़ ही जाती है, लेकिन ये कुडू का शिकार करने के लिए आगे बढ़ती उससे पहले ही सारे कुडू इसे देख लेते हैं। और अब जबकि ये शेरनी कुडू के नजर में आ चुकी है, तब तो ये किसी भी हाल में इनका शिकार नहीं कर सकती है, इसीलिए ये वापस अपने परिवार के पास लौट आती है। वैसे भी शेरों के लिए शिकार में असफल होना बहुत ही आम बात है, पर रात हो जाने के बाद ये परिवार एक बार फिर से शिकार करने का प्रयास तो जरूर करेगा। इस घाटी में वाइल्ड डॉग्स भी रहते हैं, और लाइन से उलट ये रात में शिकार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वैसे इस झुंड की एक खास बात तो ये है कि इसमें बहुत सारे ऐसे डॉग्स हैं जो अभी हाल में ही जवान हुए हैं। तालाब के पास भी इस वक्त बहुत ज्यादा शोरगुल रहता है, और इसे बढ़ाने के लिए यहाँ लगून स्टॉक्स नाम के ये स्कैवेंजर बर्ड्स भी तालाब में आने लगते हैं। वैसे पता है ये बर्ड्स हमेशा ही मरे हुए जानवरों की तलाश में रहते हैं, इसीलिए इन्हें अंडरटेकर बर्ड भी कहा जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये शिकार नहीं करते हैं, बल्कि ये पेलिकन्स की तरह ही मछलियों का शिकार भी करते हैं। अब जैसे जैसे सूरज दादा आंखों से ओझल होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये हसल कम होते जा रहा है, और एक एक करके ये बर्ड यहाँ से अपने अपने बसेरों के तरफ लौटने लगते हैं। वैसे बस यही नहीं है जिन्होंने दिन का सारा काम खत्म कर लिया है, बल्कि ये बबून्स भी दूर दराज के इलाकों से वापस अपने घर लौट चुके हैं, और ऐसे ही सभी जानवर अपने अपने घरों में लौटना शुरू कर देते हैं। तो वहीं लायंस बड़े ही शांति से अपने आसपास हो रहे घटनाओं को देखते रहते हैं। अब जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें भी घाटी से गायब हो जाती है, वैसे ही टाइम आता है रात में जागने वाले जानवरों का, जैसे कि ये मेटाबेलिंस एंट्स, जो कि इस वक्त अपने नए घर की तरफ जा रहे हैं। इस दल में 2000 से भी अधिक एंट्स हो सकते हैं, जिनका अभी के लिए काम है इनके सबसे बहुमूल्य चीज यानी कि लार्वा को अपने नए घर में पहुंचाना, और ये एंट्स इस काम को पूरा करने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं। वैसे ये खास एंट्स
किसी भी घर में 3 महीनों से ज्यादा वक्त नहीं बिताते हैं, तो ये तो तय है कि बहुत जल्द ही ये इस जगह को भी छोड़कर चले जाएंगे। अभी रात के 10 बज रहे हैं और चंदा मामा अपने पूरे रूप में चमक रहे हैं। वैसे तो रात का समय शिकारियों के लिए होता है और लायंस भी इसी समय सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन आज क्योंकि पूरे चांद का दिन है तो घाटी में रात हो जाने के बाद भी काफी उजाला है, जिसके वजह से ये शेर परिवार चाहकर भी शिकार नहीं कर पा रहा है। एक तरफ शेर परिवार अपने खाने के लिए मेहनत कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये हनी बैजर्स भी तालाब के पास अपने खाने का इंतजाम करने आते हैं। दरअसल कई जीव जैसे कि मेंढक सूखे के मौसम में खुद को जमीन में गाड़ लेते हैं और फिर ये सीधा बरसात में ही बाहर आते हैं, तो ये हनी बैजर्स उन्हीं की तलाश में हैं। कुछ देर के बाद परिवार भी तालाब के पास आ जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद इन्हें जोरों की प्यास लग चुकी है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि आधा से ज्यादा रात बीत जाने के बाद भी ये कोई भी शिकार नहीं कर पाए हैं। इस परिवार से कुछ दूर एक दूसरा परिवार भी रहता है और ये परिवार है हाइनास का। इस परिवार में 6 नए बच्चों ने जन्म लिया है। अभी रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन बच्चे तो इस वक्त भी खेलते कूदते ही रहते हैं। वैसे हाइनास के झुंड में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है और यहाँ आगे चलकर किसका कितना रुतबा रहेगा ये लगभग लगभग बचपन से ही तय हो जाता है। एक हाइना माँ पूरे 8 महीनों तक अपने बच्चे को दूध पिलाती रहती है, और तो और इनके दूध में इंसानों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा प्रोटीन और फैट मौजूद होता है। लेकिन इतना दूध बनाने के लिए इन माओं को बहुत सारे खाने की जरूरत पड़ती है, और ऐसा लग रहा है कि अभी इस माँ को एक ऐसे ही खाने की महक आ रही है। भोर होने में अब बस 2 घंटे बचे हैं और शेर परिवार अब तक न जाने कितने ही शिकार में फेल हो चुका है, इसीलिए आखिर में ये सब थक हार के बैठ जाते हैं और एक दूसरे को सहानुभूति देने लगते हैं। लेकिन तभी इन्हें कहीं दूर से एक शेर की दहाड़ सुनाई देती है। दरअसल ये इसी परिवार के मुखिया शेर की आवाज है, और इसे सुनने के बाद परिवार उसके पास जाने का फैसला कर लेता है। तो वहीं उस हाइना माँ के शानदार सेंस ऑफ स्मेल की वजह से आज इसके परिवार को भर पेट खाना मिल गया है। ये खाना इस माँ के लिए बहुत जरूरी भी था, और एक लीडर होने के नाते ये जितना मन उतना खाना खा भी सकती है। देखते ही देखते भोर रात के अंधेरे को खत्म कर देता है। इस वक्त हाइनास तो वापस से आराम करने चले जाते हैं, लेकिन वहीं बबून्स जैसे जानवरों के लिए तो ये एक नए दिन की शुरुआत है। इस ठंडी सुबह में सभी जानवर पूरे एनर्जी से भरे हुए हैं, जैसे कि इस इम्पाला झुंड को ही देख लीजिए, जिसमें ये यंग इम्पाला खूब उछल कूद मचा रहे हैं। वैसे इंसानों के तरह ही यहाँ भी मेल्स ही इतनी उछल कूद मचाते हैं और फीमेल्स इन सब से दूर ही रहती हैं। पर बस यही नहीं है जो तहलका मचाए हुए हैं, बल्कि इन्हीं के तरह बबून्स भी खूब मौज मस्ती करते रहते हैं। हाँ, बड़े हो जाने के बाद तो बबून्स भी शांत रहने लगते हैं, लेकिन इससे इन्हें शांति मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। घाटी के दूसरे तरफ तो कुछ बहुत ही कमाल हुआ है। दरअसल पिछली रात इस परिवार ने मुखिया शेर को ढूंढ लिया था, जिसके बाद इन सब ने मिलकर एक हिप्पो को मार गिराया, और कई दिनों के बाद जाकर परिवार एक अच्छा शिकार करने में सफल रहा। वैसे शेर परिवार के भी कुछ कायदे कानून होते हैं। दरअसल यहाँ सबसे पहले मुखिया शेर ही खाना खाता है, और इसका पेट भर जाने के बाद ही परिवार के दूसरे लोग कुछ खा सकते हैं। और इतने दिनों के बाद खाना मिलने की वजह से ये परिवार बहुत ज्यादा खुश है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वैसे वैसे गर्मी बढ़ते जाती है, और ऐसे में कूडू को एक बार फिर से अपने जान को जोखिम में डालकर तालाब के पास आना पड़ता है, और फिर किस्मत के साथ होने की वजह से ये सब सही सलामत अपने घर लौट भी जाते हैं, क्योंकि शेर परिवार तो इस वक्त दावत उड़ाने में लगा हुआ है। पर फिर शायद मुखिया शेर को एक बार फिर से भूख लग जाती है और यह शिकार को अपने कब्जे में ले लेता है, जिसके बाद तो अब परिवार के लिए तालाब में जाकर अपनी प्यास मिटाना ही सबसे सही होगा। वैसे इस वक्त तालाब के पास भी बहुत कुछ चल रहा है। ये बर्ड जिसे आप देख रहे हैं ये सब कीड़ों का शिकार कर रहे हैं, और ऐसा ये खुद के लिए नहीं बल्कि अपनी अपनी पार्टनर्स का पेट भरने के लिए कर रहे हैं। दोपहर के 2 बजे सूरज की गर्मी बर्दाश्त के बाहर चली जाती है। अभी अगर बात शेर परिवार की करे तो मुखिया शेर एक बार फिर से पेट्रोलिंग पे चला गया है, और बाकी का परिवार एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। वैसे भी आज तो इन सब का पेट पूरा भरा हुआ है, तो अब ये जितना हो सके उतना देर बस सोना चाहेंगे। कमाल की बात तो ये है कि इनसे कुछ ही दूरी पर एक कूडू का झुंड आराम से अपनी दावत उड़ा रहा है, और इन्हें उनसे कुछ मतलब नहीं है। मेन लाइन की दहाड़ तो अभी भी पूरे घाटी में गूंज रही है, लेकिन क्योंकि अभी इसका पेट भरा हुआ है तो दूसरे जानवरों को इससे ज्यादा खतरा नहीं है। देखते ही देखते सूरज आसमान में नीचे उतरने लगता है, और शेरों की तरह ही वाइल्ड डॉग्स भी पूरी दोपहर बस आराम ही करते हैं। लेकिन अभी तो इन्हें यहाँ से जाना होगा,
क्योंकि ये जिस पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं उस पर अफ्रीकन हनी बी ने अपना घर बनाया हुआ है। और ये मधुमक्खियाँ इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं कि ये अपने घर के आसपास भटकने वाले हर जीव पर धावा बोल देती हैं। तो ऐसे में तो इन वाइल्ड डॉग्स को यहाँ से कहीं और जाना ही होगा। सूर्यास्त होने में बस एक घंटा बचा है और इस वक्त घाटी के एक कोने में वल्चर्स की ग्रैंड पार्टी चल रही है। इन्हें कुछ समय पहले ही इस छोटे हाथी का कारकस मिला था। वैसे मुखिया शेर भी यहीं है, लेकिन अभी पेट भरा होने के कारण ये बस अपने सामने हो रहे घटनाओं को देखकर ही संतुष्ट है। तो वहीं 50 से भी अधिक वल्चर्स तो कैसे भी करके अपना पेट भर लेना चाहते हैं, और फिर धीरे धीरे करके इनका भी पेट भरने लगता है। फिर कुछ ही देर के बाद इस कारकस की महक को सूंघते सूंघते एक हाइना यहाँ खींचा चला आता है। लेकिन जब उसकी नजर मुखिया शेर पे जाती है तब उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है और वो दुम दबा कर यहाँ से भाग जाता है। फिर वो समय आ ही जाता है जब सूरज एक बार फिर से गायब हो जाता है। एक तरफ तो इम्पाला और पुकू रात के लिए खुद को तैयार करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राइट एक नए शिकार पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लुएंगवा वैली की हर रात और दिन अपने साथ नई नई कहानियों को लेकर आता है। यहाँ कुछ जानवर रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं तो कुछ दिन में, लेकिन एक बात जो इन सब जानवरों के लिए सेम है वो है लुएंगवा वैली को अपना घर कहना।